So hello everyone, this is Manu. Welcome back to my YouTube channel. Khuni ke mara. Never did another video. So, आपने video का thumbnail वो देख लिया तो आज की video बहुत ही ज़्यादा interesting है, बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली क्योंकि आज मैं इसमें MP40 के जितने भी doubts हैं आज सब clear कर देने वाला हूँ क्योंकि guys बहुत सारे लोगों को problem आती है MP40 को चलाने में, उनके head नहीं पकड़ते हैं, उनका मतलब drag नहीं पड़ता MP40 से, या फिर उनकी गन है MP40 बहुत ज़्यादा recoil खाती है. तो इसके लिए मैं सब कुछ, आपको क्या sensitivity है, क्या custom order, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ इस video में आपको मैं क्लियर कर देने वाला हूँ. तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है. तो भाई वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले गाइस इस वीडियो में चल रहा है 100 डायमंड का गिव अवे. तो गाइस जो भी बेस्ट कमेंट डालेगा उसको मेरी तरफ से 100 डायमंड वो मिलेंगे. तो गाइस आपको अपना कमेंट है वो अपनी यूआईडी के साथ डालना है. और गाइस अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना क्योंकि गाइस आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं. तो यार थोड़ा सा काम आपका भी बनता है कि यार आप वीडियो को छोटा सा लाइक देके और सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करके अपनी फैमिली का मेंबर बन जाओ. तो गाइस यहां पे मैं गाइस चलो मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट. तो गाइस मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि मतलब जब भी हम गन चलाते हैं या फिर जब भी हम हेडशॉट मारते हैं MP40 से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिड रेंज में यूज़ करनी है या फिर लॉन्ग रेंज में यूज़ करनी है या फिर शॉर्ट रेंज में यूज़ करनी है. तो गाइस यहाँ पे MP40 है, आप उसको दो रेंज में यूज़ कर सकते हैं, यानी आप मिड रेंज में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मैकेनिकल MP40 है तो, और या फिर आप उसको शॉर्ट रेंज में भी यूज़ कर सकते हैं. तो गाइस यहाँ पे जो फ्री फायर की सबसे बेस्ट गन है मेरे मतलब ये तो पोकर MP40 है, एक बन्नी MP40 और एक मैकेनिकल MP40, पर यहाँ पे एक MP40 और है जो कि मतलब फ्री में मिली थी सबको, उसका डबल रेट ऑफ फायर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ फायर वाली MP40 होती हैं वो सभी मतलब खतरनाक ही होती हैं क्योंकि रेट ऑफ फायर अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपके हेड भी अच्छे से पकड़ेंगे. तो यहाँ पे मैं उसका पैक है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप उस MP40 को भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है. आप उस पैक को मतलब इस MP40 को यूज़ करोगे तो भी गाइस ये मतलब आपकी बेस्ट रहेगी. तो अब गाइस यहाँ पर मैं बात करता हूँ रिकॉल प्रॉब्लम, यानी सबसे ज़्यादा जो MP40 की प्रॉब्लम आती है वो होती है रिकॉल, यानी अगर आपकी गन ज़्यादा रिकॉल खाती है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना. तो भाई यहाँ पर मैं सब कुछ आपको पूरा तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है. तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. अब भाई कई कई बार क्या होता है कि एनएमी मतलब खड़ा रहता है, ठीक है, हम उसमें गोलियाँ चलाते हैं कुछ भी एमओ मारते हैं, तो भाई यहाँ पर हमारी जो यानी जो गन की गोलियाँ होती है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉल यानी इधर उधर भगती है. तो भाई यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना, ठीक है. तो सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जो अपना रेड डॉट होता है, आपको और कुछ नहीं करना, आपको अपनी पूरी सेंसिटिविटी है यहाँ पर, सेंसिटिविटी में पूरी बता दे रहा हूँ आपको, पूरी सेंसिटिविटी है यहाँ पर आपको अपनी हाई रखनी, ठीक है. पर गाइस जब भी आपकी मतलब गन किसी भी कस्टम में जाओ, क्लैश स्क्वाड कस्टम में कहीं पे भी जाओ, तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना रेड डॉट होता है, जैसे आपके मान के चलो 100 रेड डॉट है तो यहाँ पर आपको सिंपली से 98 कर देना है. अगर आपका 98 है तो आपको सिंपली से 99 97 यानी लगभग एक दो कम कर देना है, ठीक है, या एक दो ज़्यादा कर देना है. तो आप मतलब फिर उसके बाद गन को चला के देखना, आपका मतलब हेडशॉट है वो ईजिली आपका अच्छे से पकड़ेगा. अब गाइस बात करें कि आपका मोस्ट जो चीज़ होती है वो होता है आपका फायर वाला बटन, यानी अगर आपका फायर वाला बटन अगर आपका सही जगह पर है, यानी अगर आपका मतलब एक मतलब जगह होती है एक कि फायर वाला बटन हमारा थंबे वो किस जगह पे प्रेस होता है, यानी एक जगह मतलब फिक्स कर लो कि हमको फायर वाला बटन यहाँ से कभी भी लाइफ में अपना नहीं हटाना है. कई कई बार लोग क्या करते हैं कि अपना फायर वाला बटन होता है उसको मतलब चेंज करते रहते हैं, कभी यहाँ पर कर लिया, कभी ऊपर कर लिया, कभी नीचे कर लिया. तो ये आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है. आपको सिंपली आपको ऐसा करना है कि आपको फायर वाला बटन है जहाँ पर आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सूटेबल हो, यानी आपका थंब बार बार उसी जगह पर जाता हो, उसी जगह पर अपना फायर वाला बटन है आपको रखना है. और उसी जगह पर हमेशा मतलब ये मत करो और कुछ भी चेंज कर लो, बट अपना फायर वाला बटन है वो हमेशा एक ही जगह पर रहने दिया करो. अब भाई यहाँ पर मैं तीसरी बात करूँ, कहीं तीसरी बात गाइज ये है कि गाइज बंदा मतलब सीधा खड़ा रहता है तब तो हम उसको इजीली मतलब ऊपर की तरफ ड्रैग करके इजीली हेड मार सकते हैं, बट गाइज अगर बंदा रनिंग कर रहा हो, अगर बंदा लेफ्ट की साइड भाग रहा हो या फिर राइट की साइड भाग रहा हो तो हम उसको कैसे मारें, यानी राइट साइड भाग रहा हो तब भी हम उसको हेड मार सकें और गाइज लेफ्ट साइड की तरफ भाग रहा हो तब भी हम उसको हेड मारें. तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, गाइज इस वीडियो में आपको अपना फायर वाला बटन और गाइज यहाँ पे बंदा जिस तरफ भाग रहा है उस तरफ की मतलब पोजीशन सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ. गाइज आप मेरे फायर वाला बटन को थोड़ा ध्यान से देखना कि मैं अपना फायर वाला बटन है, जैसे मान के चलो बंदा जा रहा है राइट साइड की तरफ, तो आपका जो फायर वाला बटन है ना उसको भी आपको राइट साइड की तरफ ही लेके जाना है. जैसे मान के चलो आपका बंदा लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो आपका जो फायर वाला बटन है उसको आपको लेफ्ट की तरफ लेके जाना है. अगर आपका बंदा सीधा खड़ा है तो यहाँ पर आपको सिंपली ऊपर की तरफ खींचना है. अगर आपका बंदा जैसे मान के चलो एनएमी है वो राइट साइड की तरफ रन कर रहा है तो यहाँ पर आपको सिंपली जो अपना फायर वाला बटन होता है उसको राइट साइड की तरफ ही रन कराना है, यानी बंदे के साथ साथ आपको फायर वाला बटन है वो लेके जाना है. यहाँ पर आपको सिंपली स्टेबल खड़ा रहना है, ये नहीं कि आप बंदे के साथ साथ ही भाग रहे हो तो आपकी मतलब जो गन की रिकॉल है ना वो ज़्यादा होगी. जैसे कहीं यहाँ पर मान के चलो चौथी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ. तो जैसे मान के चलो यहाँ पर बंदा खड़ा है, ठीक है, सीधा खड़ा है, अब यहाँ पर अब तुम देखना कि रिकॉल कितना होगा, आपके हेड तो पड़ेंगे बट यहाँ पर आपको रिकॉल बहुत ज़्यादा होगा. तो आपको रिकॉल को रोकने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक दो बार ब्रेक लेना है, ठीक है,
थोड़ा सा ब्रेक लेना या तो आप मतलब गन को स्विच कर देना या फिर आप उठक बैठक, सबसे बेस्ट रहता है कि आप उठक बैठक लगा दो। ठीक है, एक बार आप उठक बैठक लगा दो तो यहाँ पर आपका जो गन की मूवमेंट स्पीड है यानी एक साथ मतलब इतनी स्पीड से फायर कर रही है, तो आप अगर एक बार उठक बैठक लगाओगे तो थोड़ा सा उसको आराम मिल जाएगा। तो आपका सिंपली मतलब जो आपकी वापस से जो रिकॉल प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी, यानी आपको सिर पे एक या दो बार आपको उठक बैठक लगानी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो में आपको समझा दिया था, वापस से मैं समझा देता हूँ। जैसे गाइज यहाँ पे इस बंदे को मैं हेड मार रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको उठक बैठक लगानी है। अगर चौथी टिप्स एंड ट्रिक की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे आपको चाहे मतलब मैं कितना भी कुछ बता लूँ, बट गाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होती है मतलब मेरे को पता है, आई नो कि मेरे को बंदे जो देखते हैं वो शायद नहीं जानते होंगे तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं सभी से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर तुम कोई भी काम करोगे उसके लिए अगर प्रैक्टिस करोगे ना ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके, सबसे बेस्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड। तो कहीं पे भी जाके आप प्रैक्टिस करो, एक दो मैच आप पहले जाके खेल लो, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक दो मैच जाके प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो जो मैंने टिप्स आपको बताएंगे एक बार उनको फॉलो करना, यानी जो अपना रेड डॉट होता है उसको कम करना, उसके बाद आप उठक बैठक लगा के एक बार रिकॉल प्रॉब्लम को रोकना, तो सिंपली आप सब कुछ कर सकते हो। बट यहाँ पर गाइस आपको सिंपली थोड़ा से मतलब प्रैक्टिस की जरूरत तो पड़ेगी। देखिए कोई भी काम करोगे, यहाँ पे मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते। तो गाइस अगर आप मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करते हो तो गाइस 25 के फैमिली आई होप कि इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगी अपनी, और सिर पे 10 या 20 के समथिंग सब्सक्राइबर मेरे कम पड़ रहे हैं। तो गाइस सब्सक्राइब वाला बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो गाइस सब्सक्राइब वाला बटन दबा के और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। और गाइस अपनी फैमिली का मेंबर बना रहा हूँ, ठीक है, यानी आपसे और कुछ नहीं मांग रहा, बस आपको फैमिली का मेंबर बनाना चाहता हूँ। तो गाइस सब्सक्राइब वाला बटन दबा के और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके आप मेरी फैमिली का मेंबर है वो बन जाते। तो गाइस फैमिली का मेंबर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना या ना करना। अभी के लिए गाइस बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।